हेलो स्टूडेंट, अब हम मिलकर प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की बात करते हैं। शासन संबंधी विचार, और प्रतिनिधि शासन होता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, वह डेमोक्रेसी के अंतर्गत, डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। और मिल इस बात को वह अच्छी तरह जानता है, लोकतंत्र ही ऐसी एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना बौद्धिक मानसिक और नैतिक विकास कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, लोकतंत्र की जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज को इस तरह से हैं, लोकतंत्र की जो वैल्यूज हैं वो लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लोकतंत्र की जो वैल्यूज हैं वो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये लोकतंत्र की वैल्यूज हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, और ये सारे मूल्य केवल हमें लोकतंत्र में ही मिल सकते हैं, इसलिए और किसी व्यवस्था में हमें ये मूल्य नहीं मिल सकते, इसलिए लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में मानी जा सकती है। अब समस्या ये आती है, लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक लोकतंत्र होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र मानते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मानते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मानते हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये छोटे राज्यों के लिए, यह छोटे राज्यों के लिए, राज्यों या कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त है, यहाँ पर छोटे राज्यों या कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी बात कर सकते हैं। यहाँ पर जनता विधि निर्माण में, विधि के एग्जीक्यूशन में, विधि के कार्यपालन में सीधे तौर पर भाग लेती है, और अपनी संप्रभुता का जनता स्वयं ही एक्सरसाइज करती है। इसका उदाहरण आप स्विट्जरलैंड के संविधान में देख सकते हैं। पिछले साल आपने स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा होगा, और उस संविधान में आपने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की होगी। वहाँ पर
रेफरेंडम और इनिशिएटिव और रेफरेंडम के माध्यम से आपने डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज होते हुए आपने देखा होगा, परंतु बहुत बड़े राज्यों के लिए यह बड़े राज्यों के लिए राज्यों के लिए या अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए वाले राज्यों के लिए जनता के प्रतिनिधि जनता के बिहाव पर उनकी संप्रभुता को एक्सरसाइज करते हैं। राज्यों के लिए प्रतिनिधियात्मक शासन उपयुक्त है। प्रतिनिधियात्मक शासन उपयुक्त है और इस प्रतिनिधियात्मक शासन को इस इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जीएस बिल ने प्रतिनिधियात्मक और इसको यहाँ पर ये जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। ये जेस मिल का एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के बारे में ये बात मानी जा सकती है। यहाँ पर उपयोगितावादी होने के नाते मिल विश्वास करता था कि मनुष्यों की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते हुए किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जब वह स्वयं की रक्षा करने के लिए तत्पर है और किसी भी मनुष्य को किसी व्यक्ति को यह सोशल लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। मिल ने कांट की बात मानव व्यक्तित्व को मान्यता देकर भी लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। उसका विश्वास था गुणों और सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता है और उनका विश्वास था लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है तथा उनका कल्याण संभव है। दूसरे शब्दों में सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में और उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऐसा शासन ना तो राजतंत्र में हो सकता है ना ही कुलतंत्र में हो सकता है, यह केवल लोकतंत्र में ही हो सकता है। आदर्श की दृष्टि से वही शासन सर्वोत्तम है जिसमें संपूर्णता संपूर्ण समाज में केंद्रित रहती है। प्रतिनिधियात्मक शासन के अंतर्गत यह माना जाता है वह व्यवस्था जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पर तीन बातें सामने आती हैं। यहाँ पर आती है अधिकांश व्यक्तियों का सहयोग होना चाहिए, दूसरा आता है अधिकांश व्यक्तियों के हाथों में नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए और प्रतिनिधियों का नियमित चुनाव होना चाहिए। यहाँ से ये प्रतिनिधियात्मक शासन की व्यवस्था चलती है, यहाँ से प्रतिनिधियात्मक शासन की बात चलती है। तो इसके अंतर्गत ये मान सकते हैं इसमें तीन चीज निकल आती हैं। पहला चीज निकल आती है इसमें अधिकांश अधिकांश समुदाय का सहयोग, दूसरी निकल आती है अंतिम शक्ति पर नियंत्रण, अंतिम क्या है इसमें अधिकांश
हाथों में नियंत्रण शक्ति, और तीसरा है नियमित चुनाव प्रतिनिधियों का। तो यहां पर ये मान सकते हो अधिकांश लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, अधिकांश लोगों का हाथों में नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए जो अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं और प्रतिनिधियों का नियमित चुनाव होते ही रहना चाहिए। प्रतिनिधि सभा को मेरे दो सदनात्मक मतदान बनाना चाहते हैं, उनका मत है उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है, वो दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार रखना चाहता है। उसकी मानता है यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन है तो दूसरा सदन राजनीतिक और ऐसे व्यक्तियों का सदन होना चाहिए जिन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मिलकर शब्दों में प्रतिनिधि सभा वह सभा है जिसमें राष्ट्र की सामान्य राय के साथ साथ उसके प्रतिनिधि की राय का प्रतिनिधित्व है, जहाँ तक हो सके राष्ट्र की प्रत्येक वरिष्ठ और योग्य व्यक्तियों के हक में व्यक्तियों के विचारों का भी प्रतिनिधित्व करता हो। और प्रतिनिधि सभा के कार्यों की चर्चा करते हुए मिल कहता है निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन पर नियंत्रण और निरीक्षण करना है, कानून निर्माण और शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं करने चाहिए। प्रतिनिधि सभा का निर्माण निर्वाचकों द्वारा ही होता है, इसलिए मिलके निर्वाचन पद्धति में सुधार पर पर्याप्त ध्यान दिया है। इस संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं। इस प्रकार ये माना जा सकता है इसके अंतर्गत और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर ये मान सकते हो, यहाँ पर इस तरह से मान सकते हो अनुपातिक मनमानी आती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मनमानी आती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी विचार नंबर तीन मर्द आते हैं मतदाताओं की राजनीतिक मतदाताओं की एवं संपत्ति संबंधी योग्यता नंबर तीन है सार्वजनिक एवं खुला मतदान एवं खुला मतदान नंबर चार आता है, इसमें बहुल मतदान मान सकते हो।
अनुपातिक प्रतिनिधि साधन संबंध विचारों में और जेसमिन ने निर्वाचन संबंध सुधार के बारे में बात की है और निर्वाचन सुधार के संबंध में उसने ये अनुपातिक प्रतिनिधि संबंधी विचार रखे हैं। उसने मतदाताओं को शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी विचार भी रखे हैं। सार्वजनिक खुला मतदान की बात करते हैं और बहुल मतदान की बात वो करते हैं। इस तरह से ये मान सकते हो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर के बहुत अधिक चिंतित था और सरकार बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है। अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने तथा अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था बहुमत की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किए जाए। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहु सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन कराए जाएं। इस प्रणाली में जिस दल को जितने मत मिलते हैं उसी के अनुपात में उस दल के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति का लाभ यह होगा छोटे दलों को भी और अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थानों में अपनी आवाज बुलंद करके अपनी बात कह सकेगा। बहुमत की निरंकुशता उसका गला नहीं घोट पाएगी। जनप्रतिनिधि संस्थाओं को भी समुचित स्थान मिलेगा तो उसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकेगा। मतदाताओं के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यता मिल लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित था क्योंकि उसका विधायिका में अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। मिल के शब्दों में विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा जन समुदाय में वृद्धि में कमी होना है। जो विधायिका का नियंत्रण करती है किसी भी समाज के लिए यह खतरा है। इसी दृष्टि रखकर के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है जनता शिक्षित होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः जागरूक होनी चाहिए। अतः वह निरक्षर अज्ञानी व्यक्ति को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। केवल व्यस्त हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता। वह लिखता है पढ़ना लिखना कर्तव्य ज्ञान सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मत देने का अधिकार प्रदान करना चाहता था। उसके शब्दों में मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और गणित के सामान्य सवाल निकालने में असमर्थ है उसे मत देने का अधिकार मतदान में भाग लेने के लिए दिए जाए। उसके मत से मतदाता के लिए नाम दर्ज कराने से पहले मतदाता बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए आवश्यक है। वह अपना मतदाता पंजीयन अधिकारी के सम्मुख अंग्रेजी पुस्तक से एक बाघ की प्रतिलिपि लेकर प्रतिलिपि करके और गर्द का सवाल करके अपनी योग्यता का प्रमाणित करे। मिल को यहाँ तक कहा है, मिलने तो यहाँ तक कहा है, उचित तो यह होगा पढ़े लिखने और साधारण व्यक्ति के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त जेसमिल मतदाताओं के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को आवश्यक मानता है। उसकी मान्यता है कि जिसके पास संपत्ति होती है वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना के शिकार करते हैं जिनके पास संपत्ति का अभाव होता है। अतः वो यह भी मानता है जिनके पास संपत्ति होती है जो कर अदा करते हैं वो निर्धनों और कर न देने वालों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। राष्ट्रीय वित्त का सही उपयोग भी मित्रता के साथ कर सकते हैं। अतः मिल संपत्ति रखने वाले और कर देने वाले व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार सीमित रखता है। खुला एवं सार्वजनिक मताधिकार बेंथम और मिल जैसे विचारकों ने गुप्त मतदान का समर्थन किया परंतु जॉन स्टुअर्ट मिल खुले मतदान प्रणाली का समर्थन करता है। मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। इसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और विवेक के से किए जाने वाले सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वाह में गोपनीयता अवांछनीय है। मिल के शब्दों में मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्य की भांति जनता की देखरेख में या उसकी आलोचना को सहन करते हुए खुले रूप में करना चाहिए। मिल की दृष्टि से गुप्त मतदान से मतदाता आसानी से धोखा दे सकता है। वह अपने वचन का पालन न करके चुपचाप अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर
अपने पक्ष में मतदान कर सकता है। वास्तव में इस प्रणाली में भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अनैतिक आचरण जैसे कृत्यों को प्रोत्साहन मिलता है। बहुल मतदान और मिल को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई भी नज़र आती है, वह शिक्षित और अशिक्षित, निर्धन और धनी, सामान्य और विशिष्ट व्यक्तियों, सभी व्यक्तियों को एक समान मानता है। इसका मतलब यह है एक ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का और हाथ में कम से कम काम करने वाले श्रमिकों का शासन हुआ, क्योंकि उसकी संख्या अधिक है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष मानता है। वह इसे झूठा लोकतंत्र भी कहता है। सच्चे लोकतंत्र की दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल रूरल वोटिंग या वेटेड वोटिंग को महत्व देता है और वह यहाँ पर मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या में मत देने का अधिकार होना चाहिए। और मिल ने तो यहाँ तक कहा है जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे बहुल मत देने का अधिकार होना चाहिए। और मिल के अनुसार बहुल मत की योजना निर्धन व्यक्तियों के महत्व को विश्वास करती है। यह योजना निर्धन व्यक्ति के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है, बशर्ते वह स्वच्छता स्वच्छपूर्वक जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर अपनी योग्यता प्रमाणित करें। यहाँ पर विधि आयोग के बारे में भी मिलने लिखा है, प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं और वह शासन करने वाले को उसकी योग्यता नहीं, जिसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है, क्योंकि वह विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखते। इसलिए विधि निर्माण कार्य एक विशिष्ट व्यक्तियों को या विशिष्ट आयोग को करना चाहिए। इसका सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। विधि आयोग द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने के लिए प्रतिनिधि सभा संसद को करना चाहिए। वास्तव में यह सुझाव और मिल ने विधि निर्माण के कार्य में संख्या और योग्यता का सामंजस्य करने का प्रयत्न किया। संसद की स्थिति मिल जनप्रतिनिधियों को मात्र जनता के अवकाशा नहीं मानता है। इसके अनुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। वह इस बात का विरोधी था, सांसद सदस्य दलगत अनुशासन में बंधे रहते हैं। इसके अनुसार संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि वेतन के संबंध की व्यवस्था से ही व्यावसायिक राजनीतिकों की बात हो जाएगी यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, यहाँ पर इसको हम ट्रूलर वोट भी कहते हैं, यहाँ पर इसको हम ट्रूलर वोट भी कहते हैं, इसको हम ट्रूलर वोट भी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से मिलके ये प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की हम बात करते हैं। और मैं समझता हूँ पहला बात प्रतिनिधि संबंधी विचारों की बात की, मतदाताओं की बात की, मतदाताओं शैक्षणिक संपत्ति संबंधी बात की और सार्वजनिक खुला मतदान की बात की और बहुत विवाह बात कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी आलोचना भी कर लेते हैं। यहाँ पर मिलके प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की आलोचना भी की जा सकती है। शासन संबंधी विचारों की आलोचना आलोचना के बारे में हम इसकी बात कर लेते हैं। और आलोचना करने वाले विचारकों ने यह माना यह पूरी तरह से सही नहीं है। मैं लोकतंत्र शासन प्रणाली के प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक था। उसके प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए। मताधिकार का आधार शैक्षणिक योग्यता या योग्य व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार हो और व्यवस्था का दोष संज्ञानात्मक हो। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाने आदि ने बहुत सारे सुझावों का क्रियान्वयन किया। यद्यपि आलोचकों के अनुसार उसके सम्मत विचारों का क्रियान्वयन कर दिया तो लोकतंत्र के नाम पर अभिजात की स्थापना हो जाएगी। मिल के विचारों का विश्लेषण करने से ऐसा लगता है वह विरक्त लोकतंत्र डेमोक्रेटिक में है और उसके लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया है और संदेह की दृष्टि से देखा है। लोकतंत्र के प्रति उसकी निराशा आशंकाओं को व्यक्त करता है। मिल सर्वप्रथम व्यवस्थापिका के कार्यक्षेत्र को सीमित
कर दिया, उसके अनुसार व्यवस्थापिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह ना तो कर लगाना चाहिए, ना ही आय व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ना विधि निर्माण कार्य करना चाहिए। वह यह भी काम कहता है संसद के सदस्यों को मतदाता की भावना के अनुसार नहीं बल्कि अपितु उच्च युग स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मिल द्वारा मतदाता की योग्यता का जो मापदंड प्रस्तुत किया है, यदि उसे लागू किया जाए तो तीसरे दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या गुण हो जाएगी, उसे प्रतिनिधि शासन में असमानता के गीत गाने लगेंगे, धनी व्यक्तियों को अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार वह शिक्षित को मूर्ख की अपेक्षा अधिक मतदान का अधिकारी मानता है। वह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार समानता है और उसी का कुठाराघात कर रहा है। यहाँ पर आलोचकों अनुसार दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए मिलने लोकतंत्र के सुधार में जो सुझाव दिए हैं, वो ऐसा लगता है वो एक विरक्त प्रजातांत्रिक है। विपर के इस विचार से मिलकर विरक्त लोकतंत्र विचारक ये निष्कर्ष और निकालना तर्क संगत नहीं है। मिल लोकतंत्र का विरोधी या शत्रु वास्तव में मिल लोकतंत्र का समस्त सशक्त समर्थक और वफादार सेवक था। लोकतंत्र के ऊपर लिखे जाने वाले एक महान लेखक ने यह आग्रह जरूर करता है, जहाँ तक संभव हो सके शासन का श्रेष्ठतम रूप उन प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत चरित्र पर बल देते हुए प्रजातंत्र को आध्यात्मिक आधार देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षित और चरित्रवान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एवं मानव कल्याण की भावना पर आधारित प्रजातंत्र को ही मिल सच्चे प्रजातंत्र की संख्या प्रदान करता है। केंद्र मिल ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो अनूठे सुझाव दिए हैं, उसे जो आध्यात्मिक सुधार आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है, वह सब अत्यंत आकर्षित और आदर्श होते हुए भी आज की नवीन परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता है। पेपर का लिखता है निसंदेह मिल एक प्रजातांत्रिक होने का अधिकारी समझा जाना जा सकता है, किंतु 20वीं सदी की कसौटी पर वह एक विरक्त लोकतंत्र के रूप में भी इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पर जो आलोचना की है, जो आलोचना करने वालों ने आलोचना की है, जो विशेष रूप से जो आलोचना की है, वो एक तथ्य है उसमें संसद में कार्यों को भी रहती है, संसद के कार्यों के संबंध में, कार्यों के संबंध में आलोचना की है। आलोचना की दूसरी जो आलोचना की है वो आलोचना उसके बहुल मतदान को लेकर की है, जो उसका रूरल वोटिंग है, इसको लेकर के ये आलोचना यहाँ भी आलोचना की है कि मिल समानता के सिद्धांत को भूल जाता है। मिल लोकतंत्र के सिद्धांत समानता को भूल जाता है, इसलिए कई लोगों ने इसको डेमोक्रेट कहा है यहाँ पर, इसलिए विचारकों ने जैसे को विरक्त लोकतंत्रवादी कहा है, कुछ लोगों ने इसको विपन्न ने इसको विलुप्त लोकतंत्रवादी कहा है। इस तरह से जैसमेल के विचार आज पूरे हुए, हमने आपको प्रतिनिधि शासन के संबंध में बात की और लोकतंत्र की स्वतंत्रता के संबंध में भी बात की। लोकतंत्र